चल भाई, आज बहुत लेट हो गया है और वैसे भी घर जल्दी पहुंचना है। जी साहब। अगर आपको पीछे बैठने में दिक्कत हो रही है तो आगे आ जाइए, पीछे तीन लोगों में दिक्कत हो जाती है बैठने में, जगह कम पड़ जाती है। जी मैं आगे आती हूँ, प्लीज आप गाड़ी रोकिए। इसके पीछे बैठने से तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? अरे सर, आप लोगों को सेफ घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, प्रॉब्लम तो होगी ना। चुपचाप अपनी गाड़ी चला, ज्यादा स्मार्ट मत बन, और अगर ज्यादा बोला ना तो ऑफिस में बोलकर जॉब से निकलवा दूंगा, आई समझ? गाड़ी चला अपनी। जी सर। ड्राइवर गाड़ी रोकना। छोड़ मेरा हाथ। तू बाहर चल। बोला ना छोड़ मेरा हाथ। कहा ना बाहर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तेरा सीनियर हूं मैं। एकदम चुप। सीनियर है तो इसका मतलब कुछ भी करेगा, कहीं भी हाथ लगाएगा। कल मैं चुप कह रही तो इसका मतलब ये है कि तुझे लाइसेंस मिल गया मुझे छूने का। क्या साहब, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो और औरतों की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते? अबे ओ, अपनी औकात में रह। तुझे तो तेरी औकात मैं दिखाती हूँ। और तुम बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें जब ये हैवान मुझे टच कर रहा था। मेरी जगह तेरी बहन होती तब भी ऐसे हंसता? साहब आप दोनों एक काम करिए, आप यहीं से कर जाइए, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकता। अरे भाई ऐसा मत कर यार, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएंगे? वो तुम दोनों की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कंपनी में सुबह अपने आप बात कर लूँगा, लेकिन मैं उन लोगों को अपनी गाड़ी में नहीं लेके जा सकता जो औरतों की रिस्पेक्ट भी ना कर सके। थैंक यू सो मच मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। मैडम वो कमीना कब से आपको छुए जा रहा था, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप क्यों चुप थे? क्या करूं, लड़की हूं ना, कभी ना कभी मर्दों के सामने कमजोर पड़ ही जाती हूं, और ऊपर से वो मेरे सीनियर्स हैं। मैडम आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, औरत कुछ भी हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं। और हमेशा तो आपके साथ मेरे जैसा ड्राइवर नहीं होगा ना, और अगर आप खुद के लिए नहीं खड़ी होंगे ना तो इन जैसे हैवानों को और हिम्मत मिलती रहेगी। आप सही कह रहे हैं, वादा करती हूँ कि आज के बाद अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी, और हर लड़की को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जी मैडम, कल उनको अच्छा सबक सिखा दें। मैडम औरत एक मौका नहीं जिम्मेदारी होती है जो मैं हमेशा निभाता रहूंगा। आप आइए।